फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विभूति भूषण आचार्य। वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। तो फिलहाल भाई, आज का जो टॉपिक है, मेरा एक भाई है तो मेरे को कमेंट किया था और मेरे को व्हाट्सएप में भी वो पर्सनल मैसेज किया था कि भाई मेरा एक मादी है, वो दाना वगैरह कम उठाता है और उसका वेट बहुत कम हो गया है, तो उसको कैसे हम इलाज करेंगे तो उसका वेट जैसे पुराना जैसे था उसका वेट आएगा। पर वो बहुत ट्राई किए पर उनका मादी वेट नहीं हो रहा है और बहुत कमज़ोर हो गया है और दाना वगैरह भी बहुत कम उठा रहे। तो भाई उसके टॉपिक के ऊपर, आपका टॉपिक के ऊपर आज मैंने फ्री था तो आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। और मेरे जो भी भाई नया है, शौकीन है, तो सब भाई के साथ आज शेयर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका जो क्वेश्चन था भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई, अगर आपका जो मादिन हो या नर हो, जो भी मेल पिजन हो या फीमेल कबूतर, जो भी कबूतर आपका बीच बीच में दाना नहीं उठाते हैं और उनको क्या होता है, बहुत सूखे जैसा हो जाते हैं, पर सूखे में नहीं जाते हैं पर वेट बहुत कम हो जाता है एक एक टाइम में आप देखेंगे, तो आपका मैक्सिमम केस में क्या होता है, तो भाई जो हमारा लॉक में मादी होते हैं, मादी क्या होते हैं, तो अगर अंडे वगैरह रख देते हैं तो क्या होता है ना, उनका वेट कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, तो बहुत परेशानी आती है उनको वेट वगैरह लाने के लिए, पुराने जैसे थे उनको चेंजेस करने के लिए हमको बहुत टाइमिंग लग जाता है। तो आपके साथ वो नुस्खा मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो फिलहाल जिस भाई ने मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया, भाई पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो भाई नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए। तो भाई वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट बारीक से हर बात मैं आपको समझाता हूँ, और ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा कमेंट भी है, तो इसके बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट भी बताऊंगा। ठीक है भाई, वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखो, स्किप करोगे भाई आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आपका जो भी आप नुस्खा डालोगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हमको ये जो चीज़ हमको आजमाना है और ये जो चीज़ हम यूज करेंगे तो किसके लिए यूज़ करेंगे, उसका पीछे कारण क्या है। मैं हमेशा आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ भाई, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, 5-10 मिनट का वीडियो देता है, तो आपको वीडियो पूरा फास्ट से लास्ट तक देखोगे तो आपको भाई 100% आपको नॉलेज मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ, 100 से 100% आपको 99 नहीं 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। खुद आप मेरे को फ़ोन करके बताओ कि भाई क्या नुस्खा बताया था, मेरा पिजन सुस्त हो गया। तो भाई फिलहाल जो हमारा जो पिजन होते हैं, तो कबूतर होते हैं, मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो मादी वगैरह में क्या होता है, वो वेट कम हो जाता है, दाना वगैरह कम उठाते हैं, उसका पीछे रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। तो भाई क्या होता है, हमारा जो मादी कबूतर है, हमको उनको क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाता है, कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम, वो कमी होने के कारण अगर वो अंडे रख देते हैं और अंडे देते हैं तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, वो पिजन वीक हो जाता है, दाना वगैरह उस टाइम में कम उठाता है और वो अंडे दे देता है, तो अंडे देने के बाद क्या होता है उसके साथ, तो भाई मादी का वेट कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, दाना वगैरह कम उठाते हैं, उसका पीछे कारण क्या रहता है भाई, जो मादी अंडा वगैरह दे देते हैं उसको कैल्शियम की कमी हो जाता है, मैग्नीशियम, विटामिन की कमी होती है, क्योंकि हम पहले उसको ये चीज़ हमने उसको ध्यान से उसको मेडिसिन वगैरह जो विटामिन देते हैं तो उसको हमने नहीं दिया था, तो उसके कारण उसको ठीक से प्रोटीन नहीं मिलते। हम भी जो उनको जो दाना डालते हैं, मिक्स देते हैं या जो भी देते हैं, तो उनको अगर प्रॉपर दाना वगैरह उनको मिल जाता है बॉडी में तो उनको हर विटामिन कैल्शियम मिल जाता है, तो वो विटामिन की कमी से वो वेट वगैरह कम हो जाता है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो हमको अगर वेट वगैरह भी, और अगर बताऊँ तो मादी का वेट कम होता है, आप अगर नर या मादी को जोड़ी में डाले हो तो अगर भी हमेशा क्या करता है, नर मादी को भगाता है तो मादी क्या करता है, दाना वगैरह नहीं उठा पाते हैं, वो हमेशा उसके पीछे ही पड़ा रहता है, तो भाई मादी को खाना वगैरह ठीक टाइम में नहीं मिलता है। वो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, नर को लॉट में डाल दो, मादी को पहले खोल दो, वो मादी वगैरह दाना ठीक टाइम में खाएगा, और दाना खाने के बाद मादी को अंदर करो, नर को फिर बाहर छोड़ दो, तो ऐसे रहेगा तो प्रोसेस रहेगा तो आपका जो मादी पिजन है या नर है वो बीमार में नहीं जाएंगे। तो भाई का जो सवाल था, अगर वो आ गए हैं, कम वेट में आ गए हैं, वेट कम हो गया है, वजन कम हो गया है और दाना वगैरह नहीं उठा रहे, तो वो केस में हमको भाई क्या करना चाहिए, तो भाई आपको मैं 3 चीज़ बताऊँगा। तो भाई आपको पहला चीज़ है लीफ 52, आपका जो ये कंडीशन है, अगर बीच में आपका 2-3 कबूतर 4 कबूतर या सिंगल कबूतर आपका वेट कम हो गया है, वजन कम हो गया, तो आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या नुस्खा डालना है, तो आपको भाई पहले आप देना है। तो पहला भाई, पहला चीज़ है लीफ 52, तो हमको पहले भाई लीफ 52 देना है, और सेकेंड में आपको भीमराल आता है, तो भीमराल
ये सेकंड में देना है। तो आपको कैसे देना है भाई, ये जो लीफ 52 और भिमरल, अगर आपको हर कबूतर को आपको देना है कि भाई मेरा कबूतर वेट वगैरह कम हो गया है तो आपको कैसे डोज में देना है, तो लीफ 52 एक ढक्कन पूरा और भिमरल एक ढक्कन भाई 1.5 लीटर पानी में मिक्स कर लो। आपसे आपका लॉट में मिनिमम 40 से 50 कबूतर 1.5 लीटर पानी में, 1.5 से 2 लीटर पानी में आपका हो जाएगा मिनिमम। आप 1.5 लीटर में एक ढक्कन भिमरल एक ढक्कन लीफ 52 डाल दीजिए, वही पानी को पिलाइए। अगर आपका सिंगल कबूतर आपका एक ही पिजन को अगर वेट कम हो गया है तो भाई आपको जो लीफ 52 आता है एक ढक्कन, मतलब एक ढक्कन से हाफ लेना है, पूरा भाई ढक्कन नहीं लेना है, एक ढक्कन से थोड़ा कम लेना है। और भिमरल जो आता है भिमरल भाई 5 ड्रॉप, ज़्यादा ड्रॉप नहीं यूज करना है, 5 ड्रॉप आपको लेना है लीफ 52। अगर आपके पास लीफ 52 नहीं है तो भाई ब्रूटन यूज़ कीजिए, तो लीफ 52 अगर आपके पास है तो भाई लीफ 52 एक ढक्कन पूरा भाई नहीं लेना है, ध्यान से सुनिए, लीफ 52 आपको हाफ लेना है और उसके साथ भिमरल 5 ड्रॉप लेना है। तो भाई लीफ 52 और भिमरल एक कप में मिक्स कर लीजिए, इसमें 5 से 10 ml पानी मिक्स कर लीजिए, वो सीरीज में ले लीजिए और वही पानी को दिन में 2 टाइम सुबह और शाम ये कंटिन्यू कीजिए। और उसके साथ आपको क्या यूज़ किया है, तो जिस भाई ने अगर सोचा होगा कि ये दो चीज़ यूज़ कर लेंगे तो वीडियो को स्किप कर दिया होगा, तो भाई गया आपका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद भी क्या यूज़ करना है मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा यही वीडियो में। तो आप पहले क्या किए, तो आपको लीफ 52 और भिमरल, लीफ 52 क्यों देना है भाई, अगर लीफ 52 देते हैं उनका डाइजेशन कम हो जाता है, खाना वगैरह नहीं उठाते हैं, तो लीफ 52 देने से उनका डाइजेशन पावर ज़्यादा होता है, दाना वगैरह आराम से 1-2 दिन में हजम कर लेंगे तो भाई दाना आराम से उठाएंगे। तो भिमरल क्यों देंगे, तो भिमरल देने का कारण क्या है भाई, उनका विटामिन की कमी हो जाता है अंडे देने के बाद, या अंडे नहीं भी दिए तो वेट कम हो गया तो भाई भिमरल उनका बॉडी में विटामिन की कमी जो रहता है, कमी जो रहता है वो फुलफिल कर देगा उनका बॉडी में, ठीक है। तो उसके साथ खुराक भी आपको देना पड़ेगा, तो भाई वेट कम होगा ऐसा तो नहीं है पतला हो गया आप मेडिसिन लगा दोगे, तो उसको भी खाना भी चाहिए ना बॉडी को भाई, अगर खाना प्रॉपर मिलेगा तो उसका बॉडी ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा। तो भाई आपको उसके साथ क्या देना है, एक आता है हमारा जो बोलते हैं तिली, जो व्हाइट कलर की रहता है तिली, और उसको चारों मंजी भी बोलते हैं, चारों मंजी, उसका फोटो भी मैं आपको शो कर दूंगा। तिली बोलते हैं, व्हाइट कलर की रहता है और उसको चारों मंजी भी बोलते हैं, चारों मगज भी बोलते हैं, तिली बोलते हैं या चारों मगज बोलते हैं या चारों मंजी भी बोलते हैं, तो बहुत सारे एरिया में बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, तो मैं फ़ोटो भी आपको शो कर दूंगा। अगर आपको नहीं मालूम भी चलता है आप गूगल में सर्च कर लेना तिली या चारू मंजी या चारू मगज, ये सब सर्च कर लेना। उसको भाई क्या करना है, तो आपको 20 जो तिली है या चारू मंजी है या चारू दाना है जो भी है आपके हिसाब से, आप जो भी बोलते हैं, तो उसको क्या करना है 20, आपको क्या करना है मिनिमम 40, वो 40 जो छोटा छोटा रहता है बीज रहता है जो तिली बोलते हैं या चारों मंजी बोलते हैं, उसको रात में पानी में भिगा देना है मिनिमम 40 पीस, ठीक है, इतना छोटा छोटा साइज की रहते हैं वाइट कलर की, पानी में भाई भिगा देना है, वहीं पानी में उसको सुबह छान लेना है, तो वहीं उसको 20, मतलब उसको 20 जो चारों मंजी है या तिली है तो उसको उसको खिला देना है, वही जो आपको मैंने बताया कि रात में पानी में भिगाना है, सुबह उसको छान के वही उसको खिला देना है। तो उसको खिलाने के बाद आपको जो मैं बताया कि भाई लीफ 52 और भिमरल दोनों को मिक्स करके भाई 10 ml या 20 ml पानी आराम से, ये जो तिली आपको बताया चारों मंजी उसको आपको 20, उसको खिलाने के बाद 20 ml सीरीज में आपको पानी पिलाना है। तो ये अगर आप हर दिन मतलब 3 से 4 दिन कंटिन्यू करेंगे आपका पिजन में रिकवरी आ जाएगा, आप खुद देखोगे कि भाई दाना वगैरह कम उठाता, कम खा रहा था, अभी उसको बॉडी में ग्रोथ आ गया है, उसका वेट भी, वजन थोड़ा धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है और वेट भी उसका आ जाएगा पुराना कंडीशन में। तो भाई आप 3 से 4 दिन करोगे, मैक्सिमम 7 डेज आप कर सकते हो भाई, फिलहाल कुछ आपको परेशान होने की बात नहीं है, आपका पिजन ग्रो करेगा और उसका वजन पहले जैसे आ जाएगा। तो भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पहले जो चारों मंजी है तिली है उसको रात में भिगा देना है 40 पीस, उसको 20 पीस सुबह देना है, 20 पीस शाम में देना है। अगर वो दाना वगैरह उठाते तो उसको खाने दो, वो जो उठाता है वो खाएगा, फिर आपको हाथ में ये फीडिंग करवाना है। खिलाने के बाद आपको पानी भिमरल और लीफ 52 दोनों को मिक्स करके, कितना आपको मैंने बताया था वीडियो में पूरा सुनिए तो आपको मालूम चल जाएगा, तो दोनों को मिक्स करके 20 ml पानी में दिन में 2 टाइम
सुबह और शाम कंटिन्यू कीजिए भाई, 3 से 4 दिन में आपका पिजन रिकवरी हो जाएगा। मैक्सिमम केस में अगर ज़्यादा हो गया भाई 7 डेज में आपका पिजन रिकवरी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और इस कंडीशन में अगर आपका पिजन वीक हो गया है तो भाई फिलहाल कभी भी आप एंटीबायोटिक मत यूज़ कीजिए। अगर भाई अंडे रख दिया है या अंडे दे दिया है उसके बाद अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करोगे भाई वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और सूखे में चला जाएगा, तो भाई ये गलती मत कीजिए। तो फिलहाल आप नॉर्मल ट्रीटमेंट कीजिए, आपका पिजन सुस्त हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो मेरा नंबर में मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए कि भाई कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। मैं हमेशा आपको वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मेरे को कॉल कीजिए, मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बारीक से आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो आप ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया ये चालू कीजिए। अगर आपका पिजन को वेट कम हो गया है, दाना वगैरह नहीं उठा रहा है अंडे देने के बाद, ये सब सिम्टम्स आ गया है, वेट कम होता है, दाना वगैरह नहीं उठाता है, कोनों में जाके बैठता है, तो भाई ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से हमारा पिजन सुस्त हो जाएगा। अगर कुछ बीमार में आता है तो ये नहीं देना चाहिए उसको, कुछ एंटीबायोटिक जो भी बीमार रहता है उसके हिसाब से हमको मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप वीडियो को फास्ट से लास्ट तक 5-10 मिनट देखिए और आपको बहुत ही एक्सपीरियंस मिलेगा, तो कैसे करने से आपका पिजन को कैसे रिकवरी होगा और आपका पिजन 100% भाई ठीक हो जाएगा। तो भाई कुछ भी डाउट होता है मेरा नंबर में मेरे को कॉन्टैक्ट कर कीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है मैं हमेशा मेरा नंबर भी मेंशन करता हूँ। बहुत लोग मेरे को पूछते कि भाई आप बोलते हो कि नंबर मेरा मेंशन होता है पर नंबर में ही नहीं मेंशन हुआ है, तो भाई वीडियो को पूरा देखिए तो आपको नॉलेज ही मिलेगा, ठीक है भाई। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई लाइक कीजिए और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है भाई। धन्यवाद, नमस्कार।